मिशन स्पेस में सफलता को लेकर भारत एक के बाद एक नया इतिहास रच रहा है। इस बार इसरो के सूरज की स्टडी के लिए लॉन्च किए गए आदित्य L1 ने एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है, जिसमें आदित्य L1 ने सूरज की पहली फुल डिस्क तस्वीरें धरती पर भेजी हैं। ये तस्वीरें बेहद अहम हैं। इन तस्वीरों के क्या मायने हैं, उसके क्या फायदे हैं, इसकी सारी जानकारी आपको हमारी इस रिपोर्ट में मिलेगी। भारत के पहले सूर्य मिशन आदित्य L1 में लगे पैलोड सूट यानी सोलर अल्ट्रावायलेट इमेज टेलीस्कोप ने सूर्य की फुल डिस्क तस्वीरें खींची हैं। इन्हें कैद करने के लिए पैलोड ने 11 फिल्टर का इस्तेमाल किया है, जिसकी तस्वीरें इसरो ने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट की हैं। पोस्ट में इसरो ने बताया कि सूट ने जो तस्वीरें खींची हैं, उनमें सन स्पॉट, ब्लैक स्पॉट, सूर्य का शांत क्षेत्र दिखाई दे रहा है। सूट पैलोड ने अल्ट्रावायलेट वेबलेंथ के पास सूर्य की फुल डिस्क इमेज कैप्चर की है, जिसमें 200 से 400 नैनोमीटर तक की वेबलेंथ में सूर्य की पहली फुल डिस्क तस्वीर है। तस्वीरें सूर्य के फोटो स्फेयर और क्रोमोस्फेयर के क्रिस्टल डिटेल्स दिखा रही है। वहीं इसरो चीफ एस सोमनाथ के मुताबिक आदित्य L1 मिशन फाइनल फेज में है। इसके साथ जनवरी 2024 तक लैग्रेंज पॉइंट पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। आपको बता दें कि यहां से धरती और सूर्य के बीच की दूरी लगभग 15 लाख किलोमीटर है। हालांकि इससे पहले इसरो ने 7 सितंबर 2023 को आदित्य L1 पर लगे कैमरे से ली गई सेल्फी के साथ पृथ्वी और चंद्रमा की तस्वीरें शेयर की थी। आदित्य L1 ने 4 सितंबर को ये फोटो खींची थी। फोटो में आदित्य L1 पर लगे दो इंस्ट्रूमेंट VELC और सूट भी दिखाई दे रहे थे। इसरो ने 2 सितंबर 2023 को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा में सतीश धवन स्पेस सेंटर से PSLV-C57 के जरिए सूर्य की स्टडी के लिए आदित्य L1 मिशन को लॉन्च किया था। अब सवाल उठता है कि आदित्य L1 ने जो तस्वीरें ली है उससे क्या फायदा होगा। दरअसल इस बार आदित्य L1 ने जो तस्वीरें भेजी है उससे वैज्ञानिकों को मैग्नेटिक सोलर एटमॉस्फेयर की डायनेमिक कपलिंग की स्टडी में मदद मिलेगी। इससे पृथ्वी पर सोलर रेडिएशन के असर को कम करने के उपाय तलाशने में भी मदद मिलेगी। इसके साथ ही आदित्य L1 मिशन बेहद अहम है, जिसके कई मकसद हैं। इसके साथ ही आदित्य L1 मिशन बेहद अहम है, जिसमें सूर्य के किनारों पर होने वाली हीटिंग का पता लगाना, सूरज के किनारों पर उठने वाले तूफानों की गति और उसके तापमान के पैटर्न को समझना है। साथ ही सूरज के वायुमंडल की जानकारी जुटाना और पृथ्वी पर आने वाली सूरज की किरणों से मौसम पर पड़ने वाले असर का पता लगाना है। ऐसे में आदित्य L1 मिशन की सफलता न सिर्फ भारत के लिए मायने रखती है, बल्कि पूरी दुनिया के लिए मील का पत्थर साबित होगी। टीम न्यूज़ नेशन।